नमस्कार, क्यू न्यूज उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप जान सकेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम छोटे एवं बड़ी खबर। तो न्यूज को बिना स्किप किए न्यूज के अंत तक बने रहें। चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की मुख्य समाचार। BHU में इसी माह शुरू हो जाएगी कोरोना की जांच, पुणे सैंपल भेजने की नहीं होगी जरूरत। जी हां, प्रदेश में कोरोना स्ट्रेन के मरीजों की तादाद मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमे ने सतर्कता बढ़ा दी है। IMS BHU स्थित माइक्रोबायोलॉजी लैब में नए स्ट्रेन की जांच जल्द ही शुरू की जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से किट व अन्य संसाधन मिलने के बावजूद जनवरी अंत तक यहां जांच शुरू हो जाएगी। BHU के माइक्रोबायोलॉजी लैब में नए वायरस का RNA किया जाएगा, उसके बाद यह पुराने कोरोना वायरस से कितना अलग है, उसकी संक्रमण दर क्या है आदि का पता लगाया जा सकेगा। BHU में यह सुविधा शुरू होने से पूर्वांचल के अन्य जिलों से सैंपल पुणे स्थित लैब में भेजने की जरूरत नहीं रह जाएगी। 22.5 लाख मनरेगा मजदूरों को मिलेगा 100 दिन का काम, बनेगा रिकॉर्ड। जी हां, यूपी में 22.5 लाख मनरेगा मजदूरों को 100 दिनों का काम मिलेगी, जिससे इनकी आय बढ़ेगी व 100 दिन का काम पूरा होने पर उन्हें सरकारी योजनाओं से लाभान्वित भी किया जाएगा। ये वह मजदूर हैं जिन्होंने कोरोना काल के 9 माह में न्यूनतम 50 दिन या उससे अधिक दिन काम किया है। अब इस वर्ष इन सभी को 3 माह मतलब 90 दिनों में 100 दिनों का काम दिया जाएगा। जी हां, यूपी सरकार मनरेगा के तहत देश में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाले राज्य का रिकॉर्ड बनाना चाहती है। यूपी में प्राइमरी स्कूल के 22,000 शिक्षकों के ट्रांसफर, अंत जनपदीय तबादलों की सूची जारी। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार देर रात सरकारी प्राइमरी स्कूलों के 21,695 शिक्षकों के लिए तोहफा के रूप में अंतर जनपदीय तबादलों की सूची जारी कर दी है। जो शिक्षक अंतर जनपदीय तबादला सूची के नाम देखना चाहते हैं, वह बेसिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने तबादले की स्थिति जान सकते हैं। हालांकि तबादला सूची जारी होते ही आधिकारिक वेबसाइट काफी स्लो हो गई है, जिससे शिक्षकों को सूची में नाम देखने में काफी समस्या आ रही है। कहीं खुशी कहीं गम, हाथरस DM समेत 12 जिला अधिकारियों के हुए तबादले। जी हां, आखिरकार हाथरस गैंगरेप कांड के दौरान जिले में तैनात DM प्रवीण कुमार का ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्हें अब मिर्जापुर का DM बनाया गया है। इसके साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर 16 IAS और 10 PCS अफसरों के ट्रांसफर कर दिए हैं। दूसरी ओर योगी सरकार ने यूपी केडर के 23 IPS अफसरों को प्रमोशन देकर नए साल का उपहार दिया। इनमें 6 अफसर DIG से IG, 8 SP से DIG बने हैं, जबकि 9 SP को सिलेक्शन ग्रेड मिला है। योगी सरकार ने इस आदेश के बाद कहीं अफसरों से कहीं खुशी है तो कहीं गम के बादल छाए हुए हैं। योगी सरकार ने हाथरस DM समेत 12 जिला अधिकारी को बदले हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोवर्धन लाल कनौजिया का 107 साल की उम्र में हुआ निधन, पूरा जिला शोक में डूबा। जी हां, कन्नौज में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोवर्धन लाल कनौजिया का 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर निधन हो गया। इसकी सूचना मिलने पर पूरा जिला शोक में डूब गया। प्रशासनिक अमले ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए भावभीनी विदाई की। नए साल का बड़ा तोहफा, पूरा हुआ घर का अधूरा सपना, सिर्फ 4,76,000 में खरीद सकेंगे शानदार फ्लैट। जी हां, नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के घर के अधूरे सपने को पूरा किया और बटन दबाकर लखनऊ में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इसके तहत लखनऊ के 1040 शहरी गरीबों को सिर्फ 4.5 लाख रुपए में 415 वर्ग फुट के फ्लैट सौंपे जाएंगे। घरों की कीमत 12,59,000 रुपए है, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से 7,83,000 रुपए अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे। बाकी 4,76,000 रुपए लाभार्थी को देने होंगे। सुल्तानपुर रोड पर अवध विहार में यह 13 मंजिला अपार्टमेंट तैयार होंगे। सालाना 3 लाख तक की आय वाले ही फ्लैट पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। फ्लैट का आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार होगा और DM की अध्यक्षता में खुली लॉटरी करवाई जाएगी।
बच्चों को स्कूल लाने के लिए अनोखा प्रयोग, प्राथमिक विद्यालय को बना दिया ट्रेन। जी हां, मेरठ में योगी सरकार पर दिल्ली की आप सरकार सरकारी स्कूलों की बदहाली को लेकर लगातार हमलावर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूपी के सभी स्कूल बदहाल हैं। यूपी सरकार लगातार सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के प्रयास कर रही है और इसका असर दिखने भी लगा है। इसकी बानगी मेरठ में देखे जा सकते हैं, जहां सीडीओ के हर ब्लॉक में ट्रेन की शक्ल वाले स्कूल तैयार करवाए गए हैं। स्कूल खोलने के आदेश होते ही यहां बच्चे ककहरा सीखेंगे। पेट्रोल डीजल प्राइस, जानिए नए साल के पहले दिन क्या है आपके शहर में पेट्रोल डीजल के दाम। जी हां, 2021 की शुरुआत हो चुकी है और नए साल के पहले ही दिन लोगों को सोने की गिरावट के साथ ही कुछ राहत मिली है। इस बीच पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर भी लोगों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ऐसे में हम आपको आज के भाव के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल नोएडा स्थित लेफ्टिनेंट विजयन थापर पेट्रोल पंप के मैनेजर ने बताया है कि नए साल यानी शुक्रवार को सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं किया है। लगातार 25वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे हैं। नए साल में वित्तीय लेनदेन सहित इन नियमों में हुए बदलाव से आपकी जेब पर पड़ेगा सीधी असर। जी हां, पहली जनवरी से ही हो रही है शुरुआत। जी हां, नया साल यानी कि नए बदलाव के साथ नई उम्मीद। बात जब नए बदलाव की है तो 2021 में नए साल के आगमन के साथ पुराने कई नियम बदल दिए गए हैं। 1 जनवरी 2021 से वित्तीय लेनदेन फास्टैग सहित कई नियमों में बदलाव हुए हैं। इन नए नियमों की जानकारी न होना आपको परेशानी में डाल सकता है। ये बदलाव यूपी समेत पूरे देश में हो रहा है। योगी सरकार का ऐलान, यूपीएससी परीक्षा के टॉप 10 आईएएस आईपीएस के घरों तक बनेगी पक्की सड़क, संबंधित का वितरण देते हुए लगेगा बोर्ड। जी हां, संघ लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले राज्य के टॉप 10 भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवा युवाओं के घरों तक मजबूत सड़क बनाई जाएगी। जिनके घरों के बाहर सड़क बनी है उनमें सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जाएगा, यह कहना है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर लोक निर्माण विभाग की आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता के दौरान उन्होंने ये बात कही। योगी के मंत्री बोले, घबराए नहीं, जनवरी में ही लगनी शुरू होगी कोरोना वैक्सीन। जी हां, ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन ज्यादा असरकारक नहीं है, जनवरी में ही वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए हमारी सभी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, यह कहना है वित्त संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का। बता दें कि मंत्री सुरेश खन्ना गुरुवार देर रात मुरादाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाजपा विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए पार्टी की स्थिति पर चर्चा की। नए साल में सविंदा पर तैनात एएनएम के लिए बड़ी खुशखबरी, अब सभी को मिलेगी मनचाही तैनाती। जी हां, उत्तर प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत संविदा पर तैनात एएनएम को मनचाही तैनाती मिलेगी। वरीयता के आधार पर एएनएम को गृह जनपद में तैनाती भी मिल सकती है। एएनएम संविदा संघ की मांग पर शासन ने परिवार कल्याण विभाग को पत्र लिखा है। प्रदेश में एनएचएम के तहत 70,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारी अलग अलग संवर्गों में तैनात हैं, इनमें करीब 18,000 एएनएम भी हैं। अभी तक एएनएम को प्रदेश के किसी भी हिस्से में खाली जगहों पर तैनात किया जा रहा है। घर से दूर होने के चलते एएनएम को नौकरी करने में अड़चन आ रही है। उत्तर प्रदेश को मिला प्रथम पुरस्कार, जानिए पूरी खबर। जी हां, लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश को एक बार पुनः प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यहां साथ ही आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निकायों में नगर पंचायत मलिहाबाद लखनऊ प्रथम तथा नगर पंचायत हरिहरपुर संत कबीर नगर को द्वितीय तथा नगर पालिका परिषद मिर्जापुर को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उत्तर प्रदेश को दिए गए।
प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों में आरंभ हुई लाइट हाउस परियोजना का भी वर्चुअल शिलान्यास किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने अवध बिहार स्थित परियोजना स्थल पर इसका शिलान्यास किया। नए साल पर रामलला का हुआ विशेष श्रृंगार, चढ़ा 56 भोग का प्रसाद। जी हां, राम की नगरी में श्री राम जन्मभूमि पर विराजमान श्री राम लला का नए साल की पहली सुबह विशेष श्रृंगार किया गया व उन्हें 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया गया। शुक्रवार को राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने श्री राम लला व 4 भाइयों का विशेष श्रृंगार कर उन्हें हल्के पीले रंग के वस्त्र धारण कराए। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने बताया कि इस बार का 56 भोग बेहद खास तरीके से तैयार किया गया है। सजल गुप्ता नामक श्रद्धालु ने विशेष मनोती के साथ 56 भोग का संकल्प किया। सभी व्यंजनों को शास्त्र सम्मत तरीके से तैयार किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसान की मौत, कड़ाके की ठंड से गई जान। जी हां, नई दिल्ली में कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों के आंदोलन का आज 37वां दिन है। किसान दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु टिकरी समेत कई जगहों पर धरना दे रहे हैं। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे एक किसान की मौत की खबर मिल रही है। मृतक का नाम गलतान सिंह तोमर बताया जा रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार गलतान सिंह तोमर बागपत जिले के मौजिदवाद गांव के रहने वाले थे। उनकी उम्र 65 से 70 के बीच थी। शुरुआती जांच के मुताबिक ठंड के चलते उनकी मौत हुई है। वह पहले दिन से ही आंदोलन से जुड़े हुए थे। सर्दी का कहर, दिल्ली में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज। जी हां, जाने अगले दो दिन कैसा रहेगा मौसम। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ इलाकों में नया साल दांत किटकिटाने वाली ठंड लेकर आया है। यहां कुछ स्थानों पर पारा 1.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जो कि इस सीजन में अब तक का सबसे कम तापमान है। भारतीय मौसम विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव के अनुसार दिल्ली में सुबह बहुत घना कोहरा होने से श्यानता सीमा 0 मीटर तक पहुँच गयी। 7 जनवरी के लिए भी ऐसे ही धुंधले मौसम की भविष्यवाणी की गई है। टूट पड़ा गमों का पहाड़, एक साथ चली 3 दोस्तों की चिताएं। जी हां, उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में खड़खोदा क्षेत्र के अखराड़ा गांव में उस समय कोहराम मच गया जब एक साथ 3 दोस्तों की अर्थियां उठी। इस दौरान हर किसी की आंखों में आंसू निकल रहे थे। शमशान में शवों को एक साथ मुखाग्नि दी गई। वहीं भीड़ संभालने के लिए पुलिस को हापुड़ किठोर मार्ग पर यातायात रोकना पड़ा। अमेरिका में नए साल के भारतीयों के लिए बड़ा झटका, डोनाल्ड ट्रंप ने वीजा प्रतिबंधों की अवधि मार्च तक बढ़ाई। जी हां, वाशिंगटन अमेरिका में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगले 20 जनवरी तक नवनिर्वाचित डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। इससे पहले अपने कार्यालय के आखिरी कुछ दिनों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। अब नए साल के अवसर पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसका असर भारी संख्या में भारतीयों पर पड़ने वाला है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने वीजा प्रतिबंधों की अवधि को इस साल 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। नए साल के पहले दिन आम लोगों को गैस सिलेंडर पर बड़ी राहत, जानिए कितने चुकाने होंगे दाम। जी हां, आज देश के 4 महानगरों में गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी राहत देखने को मिली है। प्रत्येक महीने की पहली तारीख को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव देखने को मिलता है। बीते महीने में गैस सिलेंडर की कीमत में 2 बार इजाफा देखने को मिला था, जिसकी वजह से घरेलू गैस सिलेंडर में 100 रुपये तक का इजाफा देखने को मिला था। ऐसे में नए साल में पहले दिन कीमतों को स्थिर रखा गया है, किसी तरह की कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। वहीं दूसरी ओर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में मामूली तेजी देखने को मिली है। IRCTC नई वेबसाइट और रेल कनेक्ट ऐप की जानिए खासियत, पहले से ज्यादा मिलेगी सुविधाएं। जी हां, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को रेल कनेक्ट ऐप के साथ पूरी तरह से नई IRCTC वेबसाइट शुरू की। इस अवसर पर गोयल ने कहा कि रेलवे राष्ट्र की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और रेल यात्रा के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए अपनी सेवाओं को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन रेलवे टिकटों की बुकिंग के लिए यह अपग्रेडेड ई टिकटिंग प्लेटफॉर्म यात्री सुविधाओं को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि IRCTC को निरंतर वेबसाइट में सुधार करने के लिए काम करना
जारी रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह वेबसाइट डिजिटल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार दुनिया में सबसे अव्वल हो। सरकार को झटका, बजट अनुमान से 135% तक पहुंचा राजकोषीय घाटा। जी हां, केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष 2020-21 के आरंभिक 8 महीने में बढ़कर 10,75,000 करोड़ रुपए हो गया था, जो वित्त वर्ष के बजटीय अनुमान का 135.1% है। कोरोना के कहर के चलते आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने के कारण केंद्र सरकार के राजस्व में गिरावट के चलते राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी हुई है। रोहित शर्मा की वापसी आखिरी दो टेस्ट मैचों के लिए बनाया गया उपकप्तान। जी हां, रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले जाने वाले आखिरी दो टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। रोहित ने शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर अभ्यास किया। बीसीसीआई ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया जिसमें उमेश यादव और मोहम्मद शमी की जगह टी नटराजन और शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल करने की जानकारी दी। इसी बयान में बोर्ड ने रोहित को उपकप्तान बनाने की भी जानकारी दी। शिक्षक विद्यालय के साथ प्रदेश को बनाएंगे प्रेरक। जी हां, घोरवाल के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने चार न्याय पंचायतों के करीब 4 दर्जन परिषदीय विद्यालयों में पठन सामग्री व साहित्यिक सामग्री का वितरण किया। जी हां, पूर्व माध्यमिक विद्यालय ओढ़ता, प्राथमिक विद्यालय अमूर, प्राथमिक विद्यालय बड़वा में वितरण किया गया। यहां बीएसए ने कहा कि एक तरफ जब कोरोना महामारी में बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार प्रदेश को प्रेरक बनाने में कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती। हम सब को मिलकर हर विद्यालय को प्रेरक बनाते हुए उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना है। वहीं ब्लॉक संसाधन केंद्र गोरावाल के परिसर से खंड शिक्षा अधिकारी उदय चंद्र राय के नेतृत्व में न्याय पंचायत आमडी बिश्रे की तिलोली व लहास के सभी विद्यालयों को वितरित किया गया। यूपी पंचायत चुनाव 9 जनवरी तक बन जाएंगे संवेदनशील मतदाता केंद्रों की सूची। जी हां, यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियों जोरों पर है। वोटर लिस्ट, आरक्षण सूची और परिसीमन के साथ साथ अब अति संवेदनशील एवं संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची तैयार होने लगी है। इसके लिए प्रशासन ने 9 जनवरी तक का समय निर्धारित किया गया है। डीएम ने तहसीलवार टीम का गठन कर दिया है। एसडीएम और इस टीम का अध्यक्ष, सीओ को उपाध्यक्ष एवं तहसीलदार को सचिव बनाया गया है। गाजीपुर के डीएम एमपी सिंह के अनुसार संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों और स्थलों की सूची तैयार करने का काम एसडीएम की अध्यक्षता में बनी टीम करेगी। मॉर्निंग कंसल्ट का दावा, दुनिया में पीएम मोदी सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता। जी हां, दुनिया के सभी देशों के नेताओं की गतिविधियों पर आधिकारिक नजर रखने वाली अमेरिका डाटा फॉर्म के एक सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप पर हैं। पीएम 55% स्वीकृत रेटिंग के साथ सबसे ऊपर बने हुए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट नामक फॉर्म के एक नए सर्वे के मुताबिक 75% लोगों ने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया, 20% ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। उनकी कुल स्वीकृत रेटिंग 55 रही है, जो सबसे ज्यादा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।